माशाल्लाह ये देखें आप लोग, घास की कटाई हो गई है, 2 दिन पहले हुई थी। और यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है और बाकी डेरा बिल्कुल ठीक बढ़ा है। सफाई डेली होती है और बारिशों का मौसम है। सही है जी, मज़ा आ गया। आ जाओ, चलिए कपड़े सफी खां वेला चंगा, ओ वेला चंगा, आ जा। भाई साहब कदी कदी साले पाजी ठीक ठाक, कदी कदी साडे भी लोग जी आ गए कर यार, आसी जान दे दईए अभी लोग का दियो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक हैं आप लोग? अच्छा, बहुत दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बिजी था थोड़ा, और इसलिए कोई व्लॉग नहीं आ सका। और आज तकरीबन 8 या 10 दिन बाद ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। और हम जाएंगे खेतों में क्योंकि वहाँ पे मैंने स्प्रे करवाया, सुबह स्प्रे लेके दिया था उन्हें, क्योंकि जो धान है उसमें हो जाती है जड़ी बूटियाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग स्प्रे करें। और स्प्रे के लिए भी ये भी ज़रूरी है कि उसमें पानी ना हो धान में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बारिशों का मौसम है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी था और उसको सूखने के लिए भी तकरीबन 1 हफ़्ता चाहिए था। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते में कोई बारिश नहीं हुई और स्प्रे होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ थी वो काम हो गया। और अब जाके चेक करते हैं कि स्प्रे के बाद क्या हालत है। लास्ट बार जब आए थे ना हम लोग यहाँ पे, ये जगह जो थी यहाँ पे सारा पानी था और अब ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से ट्रैक्टर और दूसरी चीज़ें गुजरती रही हैं, तो ये हाल हो गया रास्ते का। बिल्कुल प्लेन रास्ता था लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि पानी था और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था, ज़मीन बैठ गई है। ये धान कितना बड़ा हो गया, जब लास्ट बार हम लोग आए थे तो तब इससे ज़्यादा था मेरे ख्याल में, और अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, हम लोग जब भी यहाँ पे आए ये वाली बकरियाँ यहीं पे खड़ी होती हैं और मुझे डर है कि किसी दिन इनको चोर उठा ही ना ले इनको। और भाई देखो, अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है ऐसा बंदा जो बकरियाँ उठाता हो, तो प्लीज़ मेहरबानी करना यहाँ पर आके बकरियाँ ना उठाना, वरना मेरे ज़िम्मे हो जानी है ये। जिस भाव दी हैं भैया, ओ भावो पीछे वाले खुदा दे पिछावड़े। अच्छा, ये वाली जगह आप लोगों को याद है, ये वाली जगह थी, जगह ये वाली जगह थी ना, यहाँ पे ये वेला चंगा छक्का लगा रहा था और मोबाइल गिर गया था इसके अंदर ही, और ये वाला मोबाइल था ये, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, दोबारा चढ़ रहा है, बिल्कुल सही चढ़ रहा है, इतना महंगा भी नहीं है और वाटरप्रूफ भी नहीं था। हाँ यानी कि सही है। कितने का ले गया था? 32,000 का है, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, मेरे वाले से भी ज़्यादा महंगा है। वो बंदा जिसकी वो वाली बकरी जिसकी मैं बात कर रहा था, और भाई मैं इसके साथ खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ कि अगर बकरियाँ चोरी हो गई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। भाई सुन लो, आप रोज़ यहाँ पे छोड़ के चले जाते हो, किसी चोर ने ये पकड़ लेनी है किसी दिन। ये थे सेठ आबिद, हमारे खूह की पहचान। वो जब आया था ना यहाँ पे, तो ये वाला घास जो है वो काट रहे थे, ये वाला घास, और वहाँ तक थोड़ा थोड़ा काटा है और बाकी छोड़ दिया। ये वाली फसल किसी और भाई की है, और इससे थोड़ा आगे वहाँ पे हमारा धान पड़ा है, उसको जाके चेक करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि किसकी वजह से हमने उसमें स्प्रे की है, कौन सी बूटी होती है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो होती बिल्कुल इसकी तरह ही है लेकिन होता घास है, जो बंदे धान की फसल लगाते हैं उनको पता होगा, और जो नहीं लगाते वो लोग आज देख लें, उनको मैं दिखा देता हूँ आज। हाँ तो भैया, ये देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ सूख गया था, ये है वो वाली बूटी, ये देखें, और इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा धान कौन सा है और वो बूटी कौन सी है। ये देख, ये यहाँ पे बैठा है, हमारी ज़ुबान में इसे नाई कहते हैं और उर्दू ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं इसे। ये देखें, वो उड़ गया। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो जब यहाँ पर आते थे तो अपने बालों को हम किसी चीज़ से डांप लेते थे, कोई कपड़ा रख लेते थे, क्योंकि हमें यही पता था कि ये वही वाला नाई है जो बाल काट देते हैं। और हमें नहीं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में भी फिर रहे होते हैं और बालों वाला काम बिल्कुल नहीं करते ये, आप बेफिक्र होकर इनसे इनके साथ खेल सकते हैं बिल्कुल। और जब हम छोटे थे तब तो हम डरते थे। ये वो वाली जगह जहाँ पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, और हमारा घर यहाँ से कितना दूर है वो, ये बिल्कुल उंगली मैंने अपने घर के ऊपर रख ली है ये, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे आ गए हम लोग। ये घर है जी, ये ऊपर वाईफाई का लगा हुआ है, ये टैंकी और ये बाकी सारा हमारा घर खड़ा है। माशाल्लाह दरख्त भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोगों ने सोच लिया कि अगर दोबारा यहाँ पे आना है ना तो पानी साथ लेके आना है। इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें पसीना और प्यास लग रही है यहाँ पे। और थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पे, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मैंने तो देखा हुआ है सारा कुछ जिसके लिए हमने स्प्रे करवाया था। ये देखें, ये जो घास है ये भी इसमें से ख़त्म हो जाएगा सारा, और बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा घास। ये देखें, मकड़ी यहाँ पर भी आ गई है। और जब मैंने स्पाइडरमैन पहली बार देखी थी ना, तो मुझे लगता कि ये देखें आपको नज़र आ रही है कि नहीं, पता नहीं, ये जाला खड़ा है। जब मैंने स्पाइडरमैन पहली बार देखी थी तो मुझे लगता था कि भाई मैं मकड़ी को पकड़ के हाथ पे रखूँगा ना, मैं भी स्पाइडरमैन ही बन जाऊँगा। ये वो मजाया सीन है जो आप लोग बचपन में करते हैं सारे। और हैं फिल्म देख के होता है ये सारे सीन, फिल्में देख के होते हैं फिल्म भाई जा। और ये हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखें पहले घास उसमें से निकाल के बाहर भी फेंके, लेकिन उसके बावजूद ये देखें। और ये इंशाल्लाह एक हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगा, इसमें से जो स्प्रे की है ना आज, उस स्प्रे की वजह से ये सारा ख़त्म हो जाएगा और सूख जाएगा बिल्कुल, यानी कि इसमें ताकत नहीं रहेगी और ये नुकसान नहीं कर पाएगा। फिर एक नाई था और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं नाई, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों ने देखे, ये देखें कितने घूम रहे हैं, कुछ नहीं कहते ये। पहले जब हम छोटे थे तब कहते थे ये इन्होंने हमारे बाल काट देने, और अब पता चला कि भाई ये बालों वाला काम नहीं करते, बालों वाला काम जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, इतने सस्ते में नहीं होता। अब यहाँ पे हमने लगाई थी भिंडियाँ, लगाई थी पिछले साल ये वाली जगह, और उसके बाद दोबारा नहीं लगाई क्योंकि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। हमें नुकसान तो नहीं हुआ, उसने जो खर्चा किया था वो भी निकाल दिया था, उसके अलावा भी थोड़े पैसे आ गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं लगाई। और अब यहाँ पर हमने लगाई हुई है, क्या लगाई हुई है, ज्वार, ये हमारे जानवरों के लिए। तो सूरज जो है वो बिल्कुल ग़रूब होने वाला है, और जो चीज़ हमने देखनी थी वो देख ली है। व्लॉग हमारा बन चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, और इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश होगी कि डेली व्लॉग आए, और डेली ही इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो व्लॉग शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।